शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, एमपी न्यूज की एक और खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और लेकर आए हैं अब की बार आपके लिए कि आखिर वो कौन सी अग्नि परीक्षा है जिसके दौर से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की वर्तमान कमलनाथ सरकार को गुजरना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विधानसभा के पहले सत्र में ही पहले दिन से जो हंगामा खड़ा होना शुरू हुआ था वो सत्र की समाप्ति के साथ पीछे जरूर चला गया, लेकिन कांग्रेस के पाले में दे गया विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एनपी प्रजापति को और विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर हीना कांवरे को। लेकिन अब कहानी यहां पर नई शुरू हो गई है जो कि दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। ऐसे में किस तरह से कमलनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद क्रांतिकारी कदम बढ़ाएंगे और क्या जो लगातार कहा जा रहा था सियासी गलियारों में कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अस्थायी सरकार है, अब वो स्थायित्व की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, और किस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए न केवल किसानों की कर्ज माफी का मामला बल्कि और भी कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसे लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को जनता के बीच जाना होगा और ये संदेश देना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो नया जनमत सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधा सीधा असर, या ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान कमलनाथ सरकार के तमाम कामों का सीधा असर आने वाले दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड पर भी नजर आएगा। जी हाँ, जो बड़े कदम मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ बढ़ाएंगे उसी का सीधा असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब स्थायी सरकार जरूर बन गई है, लेकिन अग्नि परीक्षा अब शुरू हो गई है। यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किसान कर्ज माफी के बाद और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसे लेकर कमलनाथ ने अब धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तमाम जानकारी लेते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा। संदीप, जरा दर्शकों को बताइए कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को क्या अब स्थायी सरकार कहा जा सकता है, और जिस तरह से फ्लोर टेस्ट यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने पास कर लिया है, कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी ने पास कर लिया है, बीजेपी की तो किरकिरी हो गई, लेकिन कांग्रेस के पाले में क्या अब भी कोई क्रांतिकारी कदम उठाने की यहां पर गुंजाइश बाकी रह गई है, और किस तरह से कहा जा सकता है कि अब शुरू हुई है मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की अग्नि परीक्षा? जी महेंद्र जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों का सियासी वनवास खत्म करते हुए कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, और वो 17 दिसंबर वो दिन था जब मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने शपथ ली थी, और उसके बाद ही लगातार कमलनाथ की अग्नि परीक्षा मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला, यानी कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और महज 114 सीट कांग्रेस हासिल कर पाई और 2 सीटों से जो है कांग्रेस चूक गई, ऐसे में कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का सहयोग लेना पड़ा और समर्थन करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद तमाम तरह के विपक्ष के द्वारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अल्पमत की सरकार है, लंगड़ी सरकार कहा जा रहा था कमलनाथ सरकार को, जिसको लेकर कमलनाथ के सामने उन खुद को पेश करने की कई चुनौतियां थी, और विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने इन चुनौतियों को पेश किया, इन चुनौतियों से पार पाया और अपना बहुमत साबित करके दिखाया। चाहे बात हो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष पद की बात हो, चाहे विधानसभा के उपाध्यक्ष पद की बात हो, फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार ने बाजी मारी और एक बार फिर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि साफ तौर पर कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में अपना फ्लोर टेस्ट करके ये तय कर दिया और ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार अल्पमत की सरकार नहीं है बल्कि कांग्रेस की सरकार है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो वादे किए थे, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे, कर्ज माफ़ी का जो वादा किया था, उसको कमलनाथ ने शपथ लेने के बाद भले ही कागज़ों पर पूरी तरीके से पूर्ण कर दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने शपथ लेने के महज 1.5 घंटे के भीतर कर्ज माफ़ी की फाइल पर जो हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद लग रहा था कि अब जो है एक झटके में 10 दिन के भीतर कर्ज माफ़ी हो जाएगी। हालांकि अभी तक जो कर्ज माफ़ी हुई है वो सिर्फ कागज़ों पर ही कर्ज माफ़ी हुई और अभी तक जो है किसानों के खाते में
पैसे कर्ज माफ़ी के पैसे नहीं आए हैं, जिसको लेकर लगातार जो है किसानों के मन के अंदर नाराज़गी देखी जा रही है और इसका खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। अब कमलनाथ के ऊपर ये चुनौती है कि वे जल्द से जल्द अपने अधिकारियों को और अपने महकमे को ये निर्देश दें कि उन्होंने जो कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था उसको जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले ज़मीन पर उतारा जाए और किसानों का वो जो उनके अंदर नाराज़गी चल रही है उसको कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी पूर्ण रूप से करके उस नाराज़गी को दूर किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ पर एक बात बड़ी दिलचस्प है जिस पर गौर करना भी जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी उस बात पर गौर जरूर कर रही है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटी है कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ। लिहाजा किसान वर्ग तो जरूर यहां पर किसानों की कर्ज माफी के मसले पर उन्हें अपने नंबर दे ही देगा, लेकिन अब बारी है वचन पत्र में शामिल किए गए अन्य वादों की, अन्य वचनों की। उन वचनों को लेकर क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने खाका खींचना शुरू कर दिया है और बार बार मध्य प्रदेश की पूर्व शिवराज सरकार पर जो आरोप लगते थे अफसरशाही के हावी होने के, उसे दरकिनार करने की दिशा में जरूर कमलनाथ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या नई अफसरशाही पर लगाम लगाना और तमाम नई योजनाओं का खाका खींचकर उनका क्रियान्वयन करा पाना, ये किसी अग्नि परीक्षा से तो कम नहीं कहा जा सकता। ऐसे में संकेतों में ही सही वो कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं होंगी जो कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से लगने से ठीक पहले लागू की जा सकती हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने वचन पत्र में तमाम जो वचन दिए हैं उन्हें निभाने के लिए क्या कटिबद्ध नजर आती है। एक बार फिर जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, बताइए यदि वचन पत्र की बात करें तो वचन पत्र में वो कौन से तमाम बड़े पहलू थे जो कि अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम कमलनाथ के सामने, जिससे न केवल अमली जामा पहनाना बल्कि अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने के साथ ही साथ आचार संहिता के लगने से पहले इन्हें जनता के बीच ले जाना। जी, साफ तौर पर महेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई अहम वादे किए थे, जिसकी बदौलत कांग्रेस ने 15 साल का जो अपना सियासी वनवास है उसको ख़त्म किया है और अब जो है विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि दिसंबर का महीना निकलने के बाद 17 तारीख से जब सीएम कमलनाथ ने जो पद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद से लगातार उनकी अग्नि परीक्षाएं चालू हो गई है और लगातार उनके सामने जो वचन पत्र हैं उनके वचन को पूरा करने की तमाम तरह की वो जिम्मेदारी और वो जो है उसकी सामने आ रही है। तो साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश में वचन दिए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते का वचन हो, चाहे युवाओं का वचन हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मौजूद कराने की बात हो, या है कर्ज माफ़ी को अमली जामा पहनाने की बात हो, तमाम तरह के वो वचन अभी फ़िलहाल अधूरे हैं और जो वचन दिए गए थे प्रदेश की जनता आशा भरी नज़रों से कमलनाथ सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि अभी जल्द ही फरवरी से लोकसभा चुनाव को लेकर जो है आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ के ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि आचार संहिता लगने से पहले उन तमाम वचनों को पूरा किया जाए और उनको ज़मीन पर उतारा जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और आचार संहिता लगती है तो इससे जो है केंद्र की राजनीति यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भविष्य पर गहरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा भी चाहता है कि उसे कब बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर मिलेगा, कब रोजगार की तमाम सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा पाएगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, और किसानों की कर्ज माफी का जो वादा फिलहाल मौखिक रूप से ही सही क्रियान्वित जरूर हो गया है, लेकिन कब उनके बैंकों के खातों में तमाम कर्ज माफी की राशि आएगी इसका इंतजार भी किसान वर्ग कर रहा है। यानी कि अग्नि परीक्षा अब भी जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने भी रख पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ का रिपोर्ट कार्ड तय करेगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की केंद्रीय राजनीति के भविष्य को भी। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजातर इन खबरों के लिए लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.